आपकी मेजबान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए डिस्ट्रिक्ट। एसी सियालकोट मोहम्मद मुर्तजा और इनकी टीम की जानिब से क्लीन स्वीप सियालकोट मुहिम का आगाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट एसी सियालकोट मोहम्मद मुर्तजा और इनकी टीम की जानिब से क्लीन स्वीप सियालकोट मुहिम का आगाज किया गया है। आज इसी सिलसिले में शहाबपुरा रोड पर वाकिया में गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। थड़ों स्टॉल्स और ऐसी कोई भी चीज जो सड़क में रुकावट और शहरियों के लिए मसाइल पेश करे खत्म कर दी गई है। एसी सियालकोट का कहना है कि इसी मुहिम को अब शहर के दीगर इलाकों में भी फैलाया जाएगा। डेरा गाजी खान नून लीग हुकूमत की बदमाशी अरूज पर हल्का पीपी 288 जमनी इलेक्शन के हवाले से नून लीग की हुकूमत का इलेक्शन कमीशन और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी जारी। मुतलका इदारे खामोश। ब्यूरो चीफ एनए न्यूज़ हाजी अब्दुल रजाक खोसा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रजाक, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान हल्का पीपी 288 जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहाँ पे दो उम्मीदवारों के दरमियान में कांटे का मुकाबला है और एक तरफ से नून लीग का उम्मीदवार है, दूसरी तरफ से बल्ले यानी कि पीटीआई का उम्मीदवार है। और ये हल्का पीपी 288 है और इसमें मैं ये भी बताता चलूँ, सरदार मोहसिन अता खोसा साहब जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल हुए थे और ये वो हल्का है और यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। बस थोड़े दिन की बात है यहाँ पे इलेक्शन होंगे और इस टाइम में मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ और यारू खोसा से और यारू रोड और तौंसा बाईपास की तरफ से ये लिंक रोड है और मैं आपको इसके मनाजिर दिखाता हूँ और यहाँ पे तरक्याती काम कैसे हो रहा है। खुल्लम खुला इलेक्शन कमीशन की जो है नाअहलियत और नाअहली की जा रही है, यहाँ पे खुल्लम खुला धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये फ्रेश काम किया जा रहा है और देखें ये इसकी, ये लोगों को फकत ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वोट की पर्ची, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी आबादी है, बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं, फकत वोट की पर्ची के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आपके सामने मैं ये आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और मैं ये भी दिखाऊँ, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं और एक बच्चा आया हुआ है। बेटा ये कौन कौन सी बस्तियाँ हैं ये बताओगे ज़रा? ये बबरों की है, जगरानियों की है, उमरानियों की है और तरह बहुत। ये रोड जो बन रहा है ये कब से शुरू किया है काम को इन लोगों ने? इधर 2-3 महीने हो रहे हैं, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, कौन यहाँ पिछला एमपीए कौन था? एमपीए इधर मोहसिन खान था, मोहसिन अता खोसा। अब कौन उम्मीदवार है यहाँ पे इलेक्शन है? और मोहसिन अता को तो इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, दो उम्मीदवार हैं, कौन कौन है ये बताएंगे जरा इधर? एक तो सैफुद्दीन खान खोसा साहब हैं। हाँ, सैफुद्दीन खोसा को। और कौन है? और ये हमारे यार वाले कह रहे हैं कादर खान को देते हैं। कादर खान यानी कि अमजद फारूक खान का बेटा, एमएनए का बेटा। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पलड़ा किसका भारी नजर आता है आपको? वैसे वोट किसको देना चाहिए, आपका क्या दिल मानता है? हम तो कहते हैं सैफुद्दीन को देते हैं। सैफुद्दीन को, बल्ले को देना चाहिए। हाँ। पीटीआई को देना चाहिए। ये जी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं और ये खुल्लम खुला इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे खिलाफ वर्जी की जा रही है और ये तरक्याती काम नहीं हो सकते किसी सूरत में, चाहे टेंडर पास हो चुके हों लेकिन उसको पेंडिंग में रख दिया जाता है। वोट के पीछे यहाँ पे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है और इस आवाम को ब्लैकमेल किया जा रहा है। 3 साल 8 माह में ना हुआ, अब कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, सवाल तो बनता है। जी सियालकोट थाना हेड मुराले के इलाका में दिन दहाड़े डकैती की वारदात करने आए डकैतियों को मालिक दुकानदार ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए काबू कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट थाना हेड मुराला का इलाका मोजा गोंतल में 3 डकैतों की दिन दहाड़े राणा मेडिकल स्टोर पर डकैती की कोशिश। एक डकैत को मेडिकल स्टोर के मालिक राणा मोहम्मद आजम ने काबू कर लिया, साथ ही काबू आने पर 2 डकैत फरार। पकड़ा गया डकैत पुलिस के हवाले। सीसीटीवी फुटेज एनए न्यूज को मशहूर हो गयी। अहले इलाका ने इस बहादुरी पर राणा आजम को खराज तहसीन पेश किया। सियालकोट थाना अगो की पुलिस ने शोहर के अंधे कत्ल में मुलविस टिकटॉकर बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने अपने टिकटॉकर पार्टनर के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की और कत्ल के वकुआ को डकैती का रंग दिया। सियालकोट दौराने डकैती अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। टिकटॉकर बीवी मुलविस निकली। 1 माह कबल थाना अगोकी के इलाका में दौराने डकैती कत्ल होने वाले मकतूल की बीवी मैमूना इरम शहजादी जो कि टिकटॉक पर वीडियोस बनाती है, इसने टिकटॉक पार्टनर रिजवान उर्फ जैन से ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे जिससे शादी करने के लिए रिजवान उर्फ जैन के साथ मिलकर शोहर के कत्ल की मनसूबाबंदी की और शोहर को कत्ल करवा कर वकुआ को डकैती का रंग दे दिया। पुलिस ने मुलजिमा इरम शहजादी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि रूपोश मुलजिम रिजवान उर्फ जैन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम में मसरूफ अमल है। डीपीओ सियालकोट की तश्कील दी गई है। खसूसी टीम ने साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया और बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारे जा रहे हैं।
खबर है सीबी से, जहां मानसून की बारिशों के बाईस दरियाए नाड़ी किनार और दरियाए नाड़ी डैम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया सीबी ने दरियाए नाड़ी किनार के इर्द गिर्द रहने वाले इलाका मकीनों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है और सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिला भर के अफसरानों अमला की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। दरियाए बोलान में भी पानी का एक बड़ा रेला गुजरने के बाद पानी की सतह कुछ कम हुई है, लेकिन हरनाई और लंडीगोसा मशकाफ के पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त दरियाए बोलान में नारी बैंक के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और इर्द गिर्द के देहातों में लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है।